годы разве вспоминаю детство, помню наше место. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आज मैं आया हूँ KTM शोरूम, क्योंकि RC 390 अभी लॉन्च हुई है और हमारे पास अवेलेबल हो गई थी, मतलब शोरूम पे अवेलेबल हो गई थी। तो जैसे इसका वॉक अराउंड और रिव्यू दे देता हूँ। तो पहले बात करते हैं इसके वॉक अराउंड से, तो चारों तरफ से आपको इसको दिखा देता हूँ क्या चेंजेस हुए हैं, आप एक बार देख लो। इसके दो कलर हैं, एक ये वाला कलर है फैक्ट्री रेसिंग ब्लू, और वो ब्लैक और ऑरेंज कलर उस तरफ खड़ा है उसके। दोनों RC 390s हैं, न्यू शेप। तो इस साइड से ऐसी दिख रही है, बाकी सामने से बात करें तो सामने से ये लुक आ रहा है। ऑन करके दिखा देता हूँ, सो ये इसमें LED हेडलैम्प, LED इंडिकेटर्स जो कि माउंटेड है फेयरिंग पे। बाकी और इस साइड पे ये लुक आ रहा है। सो मेरा पर्सनल फेवरेट कलर ये वाला है रेसिंग ब्लू कलर, जो कि ये खड़ा है हमारे सामने। और इस पर सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी इसकी स्टिकरिंग, और इसमें जो ये जो 3D लोगो दिया गया है KTM का, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बाकी यहाँ पे RC 390 की बैजिंग दी गई है, यहाँ पे पूरे में KTM लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको इंजन पे दिख जाएगा रेसिंग KTM। बाकी इधर बात करें तो मिरर्स पे RC की बैजिंग दी गई है, तो फोकस अब दिखा, ये RC की बैजिंग यहाँ पे दी गई है इंडिकेटर्स पे। बाकी ज़रा इसका लुक, अभी बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन है 373 cc का, जो कि प्रोड्यूस करता है पावर, मतलब जितनी पहले आती थी उतनी ही, मतलब BS6 RCs में जितनी आती थी उतनी ही पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है, मतलब जितनी पावर थी उतनी ही पावर है। इंजन पावर जनरेट करता है 42.9 BHP का, जितना पहले आता था उतना ही। बाकी इस साइड में चेंजेस की बात करें तो मतलब बाइक तो पूरी चेंज है, लेकिन जो मेन चेंजेस हैं, क्योंकि एक तरीके से सबने देख रखी थी कि फेयरिंग चेंज है और ये सब चेंज है, बेस्ट चीज़ इसका एग्जॉस्ट जो कि चेंज हुआ है। RC 200 में ये वाला एग्जॉस्ट नहीं है, और इसका एग्जॉस्ट में आप पीछे देख सकते हो ये जाली टाइप लगी हुई है, काफ़ी अच्छा है। इसकी आवाज़ अभी सुनाऊँगा, वो भी काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड कर दी गई है। आई थिंक पहले आवाज़ आती थी KTMs में, Duke 390 में, मतलब ऑटो वाली टाइप आवाज़ आती थी, अभी इसकी आवाज़ काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी बेसी आवाज़ है और काफ़ी लाउड भी है। बाकी अभी अगर फ्रंट से बात करें तो फ्रंट में पूरी फेयरिंग चेंज है, जो कि RC 200 में सबने देख रखी थी, तो सेम वैसे ही है। बस यहाँ पे LED हेडलैम्प, LED इंडिकेटर्स और LED DRLs हैं, जो कि यहाँ देख सकते हो, ये रही LED हेडलैम्प जो कि ऑन है अभी। बाकी ये रहे LED DRLs, सो इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं हेडलाइट को। सो अभी इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे काफ़ी ब्राइट हैं, जो कि LED में है। यहाँ पे DRLs हैं, ये फेयरिंग इसका काफ़ी अच्छा, विंडशील्ड है काफ़ी बड़ा है, और इसके मिरर्स काफ़ी वाइड खुलते हैं, ये ट्रांसपेरेंट है। बाकी सबसे बड़ा चेंज वो बात करेंगे अभी इसके मीटर की। खैर अभी बात करते हैं फ्रंट में, तो फ्रंट में 320mm का डिस्क ब्रेक है, जो कि ABS के साथ आता है और नए अलॉयज़ के साथ आता है, काफ़ी बड़ा डिस्क है देख रहे हो आप। यहाँ पे सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगी जो ऑरेंज अलॉयज़ हटा दिए हैं, बाकी यहाँ पे ऑरेंज टेपिंग है, ठीक है इतना चलता है, अब इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ पाएंगे ये लोग ऑरेंज, लेकिन धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऑरेंज छोड़ना पड़ेगा। बाकी वाइब्री के ब्रेक्स मिलते हैं यहाँ पे, कैलिपर्स देख रहे हो आप लोग, काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग मिलती है। WP के एपेक्स के सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि USD में है, और ये 10mm तक ऊपर नीचे एडजस्ट हो सकते हैं, एडजस्टेबल हैं ये, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी टायर्स की बात करी जाए तो फ्रंट में काफ़ी वाइड टायर है, जो कि मिडजेलर का है और 110 सेक्शन का है फ्रंट टायर, 110/70 R17 का टायर है, और ये रेडियल में है और ट्यूबलेस टायर है। ये रहा न्यू एलॉयज़ का शेप। बाकी मडगार्ड है, तो मडगार्ड मेट में है यहाँ पे, यहाँ RC 390 की बैजिंग। बाकी अभी टैंक की बात करी जाए तो 13.5 लीटर का टैंक है। बाकी पीछे यहाँ पे बैटरी है, ये प्लास्टिक पोर्शन, ये मेटल पोर्शन, ठीक है। और पीछे वाले टायर की बात करी जाए तो पीछे वाला टायर है 150/60 सेक्शन का, ये भी बहुत वाइड टायर है, और पीछे भी आपको डिस्क मिलता है 230mm का, जो कि ABS के साथ आता है, और ट्यूबलेस टायर और रेडियल टायर है पीछे वाला, जो कि काफ़ी वाइड है, और मेडजलर का टायर है। बाकी यहाँ हगर मिल जाता है, फुटपैक्स ये रहे इसके, जो कि ठीक है। बाकी
राइडर वाले फुट पैक्स स्प्रिंग के साथ आते हैं तो ये तुरंत ऊपर नीचे हो जाते हैं। और अभी बात करें अगर इसके टेल की, तो इसका टेल काफ़ी शार्प है, जो कि अभी आप देख सकते हो। अगर इसकी टेल टाइडी निकाल देंगे तो कितनी भयंकर दिखने वाली है ये बाइक। और LED इंडिकेटर्स पीछे में, नंबर प्लेट लाइट और इसका टेल, कितनी प्यारी लग रही है भाई साहब। बाकी यहाँ सारी गार्ड मिल जाता है और चेन स्प्रॉकेट जो कि खुला हुआ है, इसका स्विंग आर्म काफ़ी खूबसूरत बनाया है KTM ने, काफ़ी अच्छा है। बाकी अभी बात करते हैं तो इसमें 6-speed गियर बॉक्स आता है, जो कि आता है क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर और स्लिपर क्लच के साथ। बाकी ये जो लीवर्स हैं ये एडजस्टेबल हैं, ये दोनों ही ब्रेक लीवर और क्लच लीवर दोनों एडजस्टेबल हैं। और अभी बात करें अगर मीटर की, तो ये नया TFT मीटर ऐड करा गया है, जो कि ड्यूक 390 में आता था, अब RC 390 में भी आता है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ ये सेट वाले बटन से आप सेट कर सकते हो, इससे बैक कर सकते हो, इससे टॉगल कर सकते हो ऊपर नीचे। सो काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। और सो इसमें रेंज कितना किलोमीटर अभी चल सकती है, कितने का माइलेज दे रही है, वो सारी चीज़ें इसमें शो हो रही हैं। और इसमें फीचर्स जो कि ड्यूक 390 से ज़्यादा ऐड करे गए हैं, वो है कॉर्नरिंग, ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें ऐड करी गई है। मतलब ड्यूक 390 से बेटर है, जो चीज़ें 390 में ड्यूक में छोड़ दी गई थी वो चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई हैं। सो कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है KTM के पास, मतलब जो छूटी हो अभी। RC 390 फुल पैकेज है, फुल पैसा वसूल गाड़ी है। अगर इसका ऑन रोड प्राइस 370,000 है तो अपने प्राइस को फुली जस्टिफाई कर रही है ये गाड़ी। और अभी बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट साउंड की, जो मैंने कहा था काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाउड है। इसको स्टार्ट करके सुना देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प की हो किसी चीज़ में भी, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।